फिर तो आज हम ना यूनाइटेड स्प्रिट के चार्ट को एनालाइज करने वाले हैं, मतलब मैकडॉवेल के चार्ट को। तो उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, अभी 1 वीक का टाइम फ्रेम मैंने लगा के रखा है। तो सबसे पहले तो उसमें एक इंपॉर्टेंट सराउंडर लेवल देखने को मिल रहा है, जो कि कुछ है इस पॉइंट के आसपास। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है? आपको दिखा कि भाई इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार इसने रिवर्सल ले रखा है पहले भी, और इस पॉइंट से रिवर्सल ले सकता है। अब इसमें एक और मतलब एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है, ये जो इसका ये अप ट्रेंड है, इस अप ट्रेंड में फिबोनाची लगाते हो यहाँ से यहाँ तक, तो तुमको दिख जाएगा कि भाई ये ना अपने 0.5 और 0.6 मिनट लेवल से ऊपर तरफ जाने लग रहा है, मतलब जो कि बहुत ही अच्छा पॉइंट है इसमें। और अब हम करते हैं इसको डिलीट, और हम चलते हैं एक बार डेली टाइम फ्रेम में। वहां पर हमको ना इसने आज एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन का ब्रीच दिया है, ठीक है? यहाँ पर ये तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रीच हो चुका है। तो अभी के लिए तुम इसको तुरंत एक्युमुलेट कर सकते हो, बट फॉर सेफ साइड, जिसको सेफ खेलना है। तो वो क्या कर सकता है कि भाई यहाँ पर 200 EMA देखो, 200 EMA कहाँ पर है, तो यहाँ कहीं पर तुमको दिख रहा होगा कि इस पॉइंट के आसपास कोई हॉरिजॉन्टल लेवल। हाँ, ये इसका इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल लेवल है। तो जब तक यहाँ से ये क्रॉस नहीं करता ना, तो एक बार तुम रोक सकते हो, हो सकता है यहाँ से रिवर्सल ले ले, बट अगर ये भी क्रॉस कर जाता है तो एक बहुत ही अच्छा मतलब लॉन्ग पोजिशन तुम बना सकते हो इसमें। आई थिंक तुमको समझ में आ गया।